इंदौर की एमजी रोड पुलिस ने पिछले दिनों जेल रोड स्थित दो दुकानों पर कार्रवाई करते हुए नामी कंपनियों की डुप्लीकेट घड़ियों को बेच रहे दुकानदारों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 लाख रुपए कीमत की घड़ियां जब्त की थी। इसी कार्रवाई से नाराज घड़ी व्यापारी एसोसिएशन के द्वारा इंदौर की डीआईजी कार्यालय पर ज्ञापन दिया गया। आपको बता दें कि शिकायत की गई कि कुछ दुकानदार नामी कंपनियों की डुप्लीकेट घड़ियां बेच रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने सूचना मिलने पर कार्रवाई की। साथ ही इस दौरान 9 लाख से अधिक की कीमत की घड़ियों को पुलिस ने जब्त किया। व्यापारी एसोसिएशन ने इस बात का विरोध करते हुए इंदौर डीआईजी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपता हुआ कहा कि छोटे दुकानदारों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वह असंवैधानिक है। उनका मानना है कि पुलिस ने कॉपीराइट ट्रेडमार्क उल्लंघन बताते हुए छापा मारकर घड़ियों को जबरदस्ती कब्जे में ले लिया। एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि विभिन्न इंटरनेशनल ब्रांड की घड़ियों का इन्वेस्टिगेटर बताते हुए असंवैधानिक जब्ती कर बिना पंचनामा बताए व्यापारियों की दुकान में रखी घड़ियां लेकर चले गए। और आपको बता दें कि इस पूरी कार्रवाई में पुलिस की मिलीभगत सामने आ रही है। एसोसिएशन ने एसपी हेडक्वार्टर अरविंद तिवारी को ज्ञापन सौंपा, मामले की जांच की मांग की। व्यापारियों की माने तो दुकानदार के द्वारा कोई कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का उल्लंघन नहीं किया गया है। यहां के व्यापारी के द्वारा विक्रय की जाने वाली घड़ी 60 रुपए से लगाकर 150 रुपए में बेची जा रही है। उन पर लगा हुआ टैग सिंबल संकेत बिल्कुल भी उनसे मैच नहीं खाता, बल्कि उनकी सैंपलिंग, उनका लोगो, व्यापारिक नाम सब कुछ अलग है, फिर भी इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। ये जो पिछले दिनों घड़ियां जब्त करी है असंवैधानिक तरीके से, न जब्ती बनाई, न माल गिनने दिया, न जब्ती पंचना। और आज भी मैं थाने जब गया तो थाने में मेरे को सेटिस्फाई जवाब नहीं मिला, माल कहाँ है, जब्ती किसने करी है, कौन अधिकारी है, कुछ भी नहीं। बोले इनसे बात करो तो वो थाने में मौजूद नहीं है, जो नाम लाल सिंह जो भी बताया उन्होंने। और अन्यथा इस तरीके से जो जांच करने वाले लोग हैं यही संदिग्ध लग रहे हैं, मतलब ये कोई कंपनी के लोग नहीं है, इन्होंने सिर्फ एक इंदौर के लोगों से कैसे पैसा छीनना है, बस शायद ऐसा लग रहा है धंधा बना लिया। नकली लेके आते हैं परमिशन है? नहीं, परमिशन कह रहे हैं मगर धारा 64 और बता रहे हैं जो भी। एक्चुअली क्या, मैं भी एक आवेदन लगाऊँ इंदौर में कि मेरी कोमल वॉच कंपनी है, नकली घड़ी बना रहे हैं, सिविल वाले बना के दे देंगे, हल्का फुल्का पैसा खर्च करो, कोर्ट से आदेश मिल जाएगा। वो आदेश लेके मैं एसपी के पास जाऊंगा, ग्वालियर के साहब मेरी नकली घड़ियां बन रही, दुकान पे जाके जांच करना। तो जांच का तरीका क्या, न पंचनामा, न कोई मौका देना, न बक्स उठाए भरते गए, रिक्शा में डाला, रिक्शा में ले गए तो रिक्शा में मालिक को नहीं ले गए। अब कितने बक्से गायब हो गए पता नहीं, कितने बक्से थाने पहुँचे, फिर थाने में दोष कैसी, पैसे दो, कोरे कागज पे साइन करो, नहीं तो ऐसी धाराओं बंद करेंगे कि बाहर भी नहीं आ पाओगे। मिला था उसने ज्ञापन दिया है, उनका कहना है जेल रोड में रहने वाले कुछ व्यापारियों की जो घड़ी वगैरह जब्त की गई है कॉपीराइट एक्ट के तहत, वो गलत प्रावधानों के अनुसार की गई हैं और वो उनका वायलेशन नहीं था, इसके बावजूद उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इसकी जांच कराई जाएगी, अगर गलत है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई होगी, अगर सही ही कार्रवाई है तो कॉपीराइट एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। देखने में यह आता है कि कई चक्कर कई लोग राइट ले आते हैं और उसके द्वारा छापामार कार्रवाई करवाते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस वैधानिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई करती है और ऐसा कोई भी नहीं ला सकता, कॉपीराइट अपना रजिस्ट्रेशन होता है उसका और उसका वेरीफाई करने के बाद ही कार्रवाई होती है।